हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की प्रॉपर्टी रहेगी वो हमारी 3 BHK रहने वाली है, 75 गज ऑन पेपर। अगर हम बात करें कारपेट एरिया की तो इसका हमारा 85 गज कारपेट एरिया रहने वाला है। फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी रहेगी, 4 यूनिट्स रहने वाले हैं इसमें हमारे, जो कि हमारे 3 BHK ही रहने वाले हैं। लिफ्ट विद SUV पार्किंग के साथ हमारा ये फ्लैट रहेगा। इसकी एक बार हम एलिवेशन पे नजर मारते हैं। तो अब हम आगे हमारे 3 BHK के फुली फर्निश फ्लैट में। जैसा कि मैं आपको हमारी हर वीडियो में बताती हूँ कि इसमें हमारा फुली फर्निश और सेमी फर्निश दोनों के ऑप्शंस रहते हैं। 1 BHK और 2 BHK में 1 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा, 3 और 4 BHK में 2 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हम इसके डिटेल वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हमारा इस फ्लैट में क्या क्या रहने वाला है। 3 हमारे बेडरूम रहने वाले हैं, 2 हमारे वॉशरूम रहेंगे, लिविंग एरिया सेपरेटली सारा हमारी वार्डरोब्स, ड्रेसिंग टेबल, फ्रंट साइड की हमारी ये प्रॉपर्टी है। 4 यूनिट हैं इसके अंदर हमारे, वो जो सारे के सारे 3 BHK ही हैं। ओपन में हमारी मॉडुलर किचन रहने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे लिविंग एरिया से। आप देख सकते हैं एल कॉर्नर के सोफा के बाद भी इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है। वॉल्स पे प्रॉपर सारा टेक्चर प्रिंट्स, लुआ फिटिंग के साथ मिरर वर्क, मतलब मल्टीपल में वॉल्स प्रॉपर डिज़ाइन करके दी गई है, जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। एक बार हम नज़र मारेंगे हमारे शैंडलियर पे। 3 शेड में हमारा ये शैंडलियर रहने वाला है। इस साइड रहेगी हमारी AC की डक्टिंग, जो कि हमारा स्प्लिट AC का प्रोविजन रहने वाला है। सेंटर में सेंटर टेबल रहेगा, 2 पफिस के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। उसी के साथ साथ फ्रंट साइड पर रहेगी हमारी ओपन में मॉडुलर किचन, जो कि हमारे ड्यूल शेड में रहने वाली है। वाइट एंड ब्लैक का इसमें आप देख सकते हैं कितना शानदार कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सेपरेटली इस साइड हमारा फ्रिज का प्रोविजन रहेगा स्विच बोर्ड के साथ। उसी के साथ साथ बात करेंगे हम RO की, सेपरेटली हमारा RO का प्रोविजन रहने वाला है, जो कि हमारा इस साइड रहेगा। प्रॉपर सारी सैनिटरी फिटिंग करा के दी जाएगी आपको 2 ईयर्स वारंटी के साथ। चिमनी फिटेड है ऑलरेडी। उसी के साथ साथ कितना ज़्यादा स्पेशियस है हमारी ये किचन, एक बार हम देखेंगे। सेपरेटली सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके से कॉलम्स इसके अंदर दिए गए हैं। ड्रॉर्स भी हाइड्रोलिक हैं, कितना तेज़ मारा, इजीली ये इसमें अंदर चला गया। प्लेट्स के लिए अलग से कॉलम्स हैं, ग्लासेस के लिए कुछ बड़ा मटेरियल हमने रखना है, मतलब किचन का जितना भी हमारा मटेरियल होता है वो इजीली हमारा इस किचन में आ जाएगा। यहीं से होते हुए मैं आपको हमारा फर्स्ट बेडरूम दिखाऊंगी, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। उससे पहले हम एक बार वॉशरूम पर नज़र मार लेते हैं, जो कि हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा, हमारे लिविंग एरिया से अटैच रहने वाला है। यहीं से होते हुए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। तो ये रहने वाला हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसमें सेपरेटली हमारी वार्डरोब्स अप टू रूफ रहेंगी। किंग साइज बेड के बाद भी आप देख सकते हैं कितना शानदार वॉल्स पर डिज़ाइन किया गया, पूरी प्रॉपर लुआ फिटिंग, क्विल्टिंग, कितना शानदार शोपीस लगा के दिया गया है। साइड्स में आपके 2 लाइट्स रहने वाली हैं। AC की डक्टिंग हमारी इस साइड रहेगी, जो कि हमारा स्प्लिट AC है। वह भी हमारा यहाँ शाफ्ट रहने वाला है, वेंटिलेशन पर्पज से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस साइड रहेगा हमारा LED पैनल, ह्यूज में हमारा LED पैनल रहेगा, जितना भी बड़ा TV हो इजीली इस पर हैंग हो जाएगा। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारी वार्डरोब्स पे, जो कि हमारी अप टू रूफ रहने वाली हैं। जो हमारा मटेरियल डेली यूज़ का नहीं होगा वो इजीली हम ऊपर स्टोर कर सकते हैं। हाइड्रोलिक रहेंगी हमारी वार्डरोब्स, हैंगिंग सिस्टम भी है इसके अंदर प्रॉपर ड्रॉर्स के साथ। तो ये तो था हमारा फर्स्ट बेडरूम। हम यहीं से होते हुए हमारे सेकेंड बेडरूम की ओर चलेंगे, जो कि हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम कहलाने वाला है। आइए,
तो अब हम आगे हमारे सेकंड मास्टर बेडरूम में, इसमें भी हमारा किंग साइज बेड के बाद भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है। वेंटिलेशन के पर्पज से भी इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर विंडोज फ्रंट साइड की हमारी इसमें बालकनी रहने वाली है। इस साइड हमारा एसी का फिटिंग रहेगा जो कि हमारा विंडो एसी का प्रोविजन रहने वाला है। फ्रंट साइड पर यहाँ पर हमारा अभी एलईडी पैनल इसमें नहीं लगाया गया है, वो भी आपको बनवा के दिया जाएगा प्रॉपर स्विच बोर्ड्स के साथ। सेपरेटली इस साइड हमारा ड्रेसिंग एरिया रहेगा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है। तीनों बेडरूम्स में प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया दिया गया है। लेडीज़ को मतलब इस चीज़ में ज़्यादा रहता है कि ड्रेसिंग एरिया रहना चाहिए, बच्चों को भी आजकल होने लग गया है, तो प्रॉपर हर एक बेडरूम में बना के दिया गया है। इधर भी प्रॉपर हमारी वार्डरोब्स अप टू रूफ रहने वाली हैं, प्रॉपर ड्रॉर्स के साथ जितना भी मटेरियल है इजीली हमारे इस वार्डरोब्स में आ जाएगा। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारी वॉल्स पे, कितना शानदार इस पे टेक्सचर प्रिंट से वॉलपेपर डिज़ाइन किया गया है। साइड पे हमारी दो इसमें लाइट्स वगैरह रहने वाली हैं। एक बार हम नज़र मारेंगे हमारी फॉल सीलिंग पे, बेडरूम्स में, लिविंग एरिया में, सब में डिफरेंट डिफरेंट फॉल सीलिंग्स रहेंगी, बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। यहीं से होते हुए हम चलते हैं हमारी बालकनी की ओर, जो कि हमारी फ्रंट साइड की सेकेंड बेडरूम की हमारी बालकनी रहने वाली है। आइए, तो ये रहने वाली है हमारी फ्रंट साइड की बालकनी जो कि हमारे दोनों बेडरूम से अटैच रहने वाली है। स्टेनलेस स्टील की हमारी रेलिंग रहेगी, फ्रंट साइड की 20 फुट की हमारी रोड रहने वाली है। उसी के साथ साथ इस साइड हमारा वॉशिंग एरिया रहेगा, प्रॉपर यहाँ टैप फिटिंग होगी, ड्रेन पाइप, स्विच बोर्ड के साथ। तो ये तो था हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम। अब यहीं से होते हुए हमारे थर्ड बेडरूम की ओर चलेंगे, जहाँ से हमारी बालकनी अटैच रहने वाली है। तो अब हम आ गए हमारे थर्ड बेडरूम में, जो कि हमारा वॉशरूम से अटैच रहने वाला है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है हमारा थर्ड बेडरूम भी। किंग साइड बेड के बाद भी अप टू रूफ इसमें प्रॉपर क्विल्टिंग रहेगी। उसी के साइड में लाइट्स वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक रूम में ड्रेसिंग एरिया प्रॉपर सेपरेटली बना के दिया गया है। इस साइड भी प्रॉपर हमारा ह्यूज में मिरर रहने वाला है। इस साइड सारे हमारे ड्रॉर्स वगैरह रहेंगे, जितना भी कॉस्मेटिक वगैरह अपना मटेरियल हम इजीली इसमें रख सकते हैं। अटैच में हमारा इसमें वॉशरूम रहने वाला है। एक बार हम नजर मारते हैं हमारे वॉशरूम पे, वॉल हैंगिंग हमारी सीट रहेगी, अप टू रूफ हमारी टाइल्स रहने वाली है। इस साइड रहेगी हमारी एग्जॉस्ट की फिटिंग, प्रॉपरली वॉल हैंगिंग हमारा सिंक रहने वाला है। उसी के साथ साथ गीजर की फिटिंग हमारी इस साइड रहेगी। तो ये तो था हमारा 3 BHK का फुली फर्निश्ड फ्लैट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे दोनों ऑप्शंस रहेंगे, सेमी फर्निश्ड के भी और फुली फर्निश्ड के। वेंटिलेशन पर्पज से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको एक एक बेडरूम में विंडो, बालकनी सब कुछ दिखाया है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन रहने वाली है बेला कॉलोनी। ये हमारे उत्तम नगर वेस्ट नियरेस्ट पड़ता है इसका। उसी के साथ साथ हार्डली 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस है इसका मेन रोड से। 3 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट 75 गज ऑन पेपर है। अगर बात करें कारपेट एरिया की, तो इसमें 85 गज इसका कारपेट एरिया है, लिफ्ट विद SUV पार्किंग के साथ। फ्रंट साइड की 20 फुट की इसकी रोड रहने वाली है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू।